नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। हैरियर के रूप में टाटा ने इंडियन मार्केट में अब तक का अपना सबसे बेहतरीन और एक बेस्ट क्वालिटी प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च किया था, वो भी एक ग्रैंड इवेंट के जरिए। हैरियर के लॉन्च से पहले ही जिस तरीके से इस गाड़ी को प्रमोट किया गया था, जिस तरीके से इसकी मार्केटिंग की गई थी, उसके चलते इस गाड़ी को काफ़ी हाइप मिली थी और हैरियर ने अपने लॉन्च से पहले ही सेगमेंट में आने वाली बाद में कई सारी गाड़ियों के लिए कई सारे बेंचमार्क सेट कर दिए थे, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी थी। लेकिन जनवरी में लॉन्च के बाद से सितंबर के ख़त्म होते होते अब तक ऐसा क्या हो गया है कि अब ये गाड़ी बिकती ही नहीं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। टाटा मोटर्स में पिछले कुछ सालों में आप सभी ने कई सारे और अच्छे बदलाव देखे होंगे। पिछले कुछ सालों से टाटा मोटर्स भारतीय बाज़ार में काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर रही है। भारतीय बाज़ार और ग्राहकों के अनुकूल टाटा ने अपनी गाड़ियों में और अपनी स्ट्रैटेजी में काफ़ी सारे बदलाव भी किए हैं। टाटा अपनी गाड़ियों के लिए नई डिज़ाइन फिलोसॉफी को भी लेकर आया है। टाटा हैरियर लॉन्च होने से पहले ही भारतीय बाज़ार में सबसे अधिक चर्चित और मोस्ट अवेटेड कार रही है। नेक्सॉन को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के मिलते ही टाटा ने अपनी बिल्ड क्वालिटी का लोहा भारतीय बाजार में जमा लिया था। बेहतर बिल्ड क्वालिटी का होना, लैंड रोवर डिस्कवरी का ओमेगा 8 प्लेटफॉर्म का होना, इंपैक्ट 2 डिजाइन फिलोसॉफी और चौंकाने वाली प्राइस रेंज, फिएट सोर्स जीप कंपस वाला इंजिन जो कि एमजी हेक्टर के सीने में भी धड़कता है, इतनी कई सारी बेहतरीन और पॉजिटिव चीजें होने के बावजूद भी हैरियर का आज भारतीय सड़कों पर दिखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। भारतीय बाज़ार और ग्राहकों का इतने सालों का अनुभव होने के बावजूद भी लॉन्च के 8 महीने के बाद ही हैरियर का सेल्स ग्राफ दिन ब दिन घटता चला जा रहा है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि सितंबर के महीने में हैरियर का सेल्स फिगर सिर्फ 3 डिजिट में, यानी कि पूरे भारत को मिलाकर 941 यूनिट पर सिमट कर रह गया है। क्या वजह है कि हैरियर कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगातार फ्लॉप होती नज़र आ रही है? इसके कई सारे कारण हैं, जिसमें से कुल 12 रीजंस मैंने इस वीडियो में आप सभी के लिए निकाले हैं, जिस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एक कारण ये भी है कि एमजी ने हेक्टर को और किया ने सेल्टोस को लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया था, जिस वजह से वो लोग जो हैरियर लेने वाले थे उन्होंने कुछ समय तक इंतज़ार करना बेहतर समझा, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों में हैरियर के मुकाबले कई बेहतर फीचर्स मिलने वाले थे। अप्रैल 2019 के बाद से जब 27 जून को एमजी ने हेक्टर को लॉन्च किया, उसके लॉन्च होते ही हैरियर की सेल्स फिगर लगातार नीचे गिरती चली गई और वो इतनी नीचे गिर गई है कि अब उसे सेगमेंट की बाकी गाड़ियों के साथ में कंपटीशन कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। इससे पहले कि टाटा इस झटके से निकल पाता, उभर पाता, किया ने अगस्त के महीने में अपनी सेल्टोस को लॉन्च किया और लॉन्च के पहले ही महीने में उसने तकरीबन 6230 यूनिट बेच दिए। सितंबर महीने की अगर हम बात करें तो ह्युंडई क्रेटा के 6641 यूनिट्स बिक चुके हैं, एमजी हेक्टर के 2608 यूनिट बिक चुके हैं और किया की सेल्टोस 7754 यूनिट्स बेचकर इंडिया की बेस्ट सेलिंग मिड सेगमेंट एसयूवी बन चुकी है, जिसने अपनी खुद ह्युंडई क्रेटा को 1113 यूनिट से पीछे छोड़ दिया है। अब टाटा को ये सोचना बेहद ज़रूरी हो गया है कि टाटा ने ऐसी कौन सी कमियां हैरियर में छोड़ी थी कि वो सेगमेंट पर अपनी पकड़ और लोगों के दिलों से अपनी लोकप्रियता को बहुत बुरी तरीके से खो चुकी है। अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो जनवरी में जब हैरियर लॉन्च हुई थी तो लगभग 422 यूनिट बिकी थी, फरवरी के महीने में 1449 यूनिट्स बिक चुकी थी,
मार्च जो कि अब तक का हैरियर के लिए सबसे बेहतरीन फिगर वाला महीना रहा है, जहां पर हैरियर के 2,492 यूनिट्स बिके थे। अप्रैल में 2,075 यूनिट्स। मई के महीने के बाद में हैरियर का सेल्स फिगर हमेशा नीचे की ओर गिरता चला गया। मई में केवल 1,779 यूनिट्स, जून में 1,216 यूनिट, जुलाई के महीने में 740 यूनिट, अगस्त के महीने में अब तक का सबसे निचला यानी कि 635 यूनिट्स, सितंबर में थोड़ा सा बेहतर होकर ये फिगर 941 यूनिट्स पर सिमट कर रह गया है। किया सेल्टोस ने प्राइस फैक्टर की वजह से हैरियर का काफ़ी सारा मार्केट कैप्चर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जबकि मैं पर्सनली किया सेल्टोस को टाटा हैरियर के डायरेक्ट राइवल के तौर पर नहीं सोचता, मैं उसे उस तरीके से नहीं देखता। भारतीय ग्राहक जो कि हमेशा गाड़ी लेते वक्त रीसेल वैल्यू और आफ्टर सेल सर्विस की काफ़ी चिंता करते हैं, लेकिन हेक्टर और किया की सेल्टोस जैसी नई कंपनियों के पहले प्रोडक्ट को देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता। और यहाँ पर एक नया ट्रेंड इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वास्तविकता के कई सारे कारण हैं, जिसमें से इस वीडियो में हम कुल 12 वजहों पर बात करेंगे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण ये है कि फीचर्स के चलते किया सेल्टोस और एमजी हेक्टर को टाटा हैरियर से काफ़ी बेहतर पाया गया, जैसे कि इन दोनों गाड़ियों में टच स्क्रीन का काफ़ी बड़ा होना विद लॉट ऑफ बेस्ट इन क्लास एंड बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स का होना। दूसरे रीज़न की अगर हम बात करें तो कनेक्टेड कार फीचर्स का अवेलेबल होना। तीसरे रीज़न की तरफ अगर हम मुड़ते हैं तो इन दोनों गाड़ियों में भारतीय ग्राहक जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो फीचर है सनरूफ का होना, जो कि टाटा की हैरियर में नहीं आता है। चौथा रीज़न है दोस्तों 360 डिग्री कैमरा का होना। आगे मुड़कर पांचवें फीचर की बात करते हैं तो इंजन रिफाइनमेंट और रिस्पॉन्स के मामले में एमजी हेक्टर और किया सेल्टोस टाटा हैरियर से कई बेहतर हैं। छठे रीज़न की ओर मुड़े तो हेक्टर में आपको 587 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, किया की सेल्टोस में भी आपको 433 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि हैरियर में आपको सिर्फ 425 लीटर का ही बूट स्पेस मिल पाता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि हैरियर में स्पेस मैनेजमेंट को लेकर ठीक से काम नहीं किया गया है। सातवां रीज़न है दोस्तों जिसकी अब हम बात कर लेते हैं, इंजन की। सेम इंजन होने के बावजूद भी हैरियर 138 bhp एंड 350 nm का टॉर्क ही जनरेट कर पाता है, और डी ट्यून होने के बावजूद भी सिर्फ 16.7 kmpl का ही माइलेज आपको देता है। वहीं पर NVH लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है, और इसी को हम सेम इंजन के साथ में अगर MG हेक्टर के साथ ज़्यादा वजन होने के बावजूद भी अगर कंपेयर करें तो हेक्टर आपको 167 bhp की पावर विथ 350 nm का टॉर्क देता है, और माइलेज के मामले में हैरियर से वज़न में ज़्यादा होने के बावजूद भी 17.41 kmpl का माइलेज क्लेम करता है। किया की सेल्टोस भी इस मामले में पीछे नहीं है, 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन होने के बावजूद भी हैरियर जितना ही यानी कि 138 bhp की पावर जनरेट करता है और 16.1 से लेकर 16.5 kmpl तक की माइलेज आपको निकाल के देती है। इससे ये भी पता चलता है कि हैरियर का इंजन ना तो बेहतर पावर देता है, ना बेहतर रिफाइनमेंट और रिस्पॉन्स देता है, ना बेहतर माइलेज निकाल पाता है, ना ही बेहतर NVH लेवल्स हैं, तो फिर कंज्यूमर हैरियर को क्यों खरीदेंगे। आठवां रीज़न है दोस्तों हैरियर में आपको पेट्रोल इंजन का ना मिलना, जबकि बाकी तीनों गाड़ियों में जो कि सेल्टोस, हेक्टर और क्रेटा में आपको डीजल के साथ साथ पेट्रोल इंजन के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जो टाटा हैरियर में नहीं मिलते। नौवा यानी कि अगला रीज़न ये है कि आजकल लोग मैनुअल ट्रांसमिशन के अलावा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन हैरियर में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ
ऑटोमेटिक का कोई भी ऑप्शन हैरियर में आपको नहीं मिलता। इसके ऑपोजिट तीनों ही गाड़ियाँ यानी कि हेक्टर, क्रेटा और सेल्टोस, तीनों में ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है, जिसके कारण अब हैरियर नाम का ऑप्शन लोग इसे कंसिडर नहीं करना चाहते। दसवां और कुछ ज़्यादा ज़रूरी रीज़न ये है दोस्तों, वारंटी ऑफ़र, जहाँ पर टाटा हैरियर के साथ में आपको 2 साल और 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, वहीं पर बाकी तीनों गाड़ियाँ इससे कई बेहतर ऑफ़र देती नज़र आती हैं। क्रेटा आपको 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी के साथ में 3 साल का रोड साइड असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। सेम चीज़ आपको सेल्टोस में भी मिल जाएगी, 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर्स और 3 साल रोड साइड असिस्टेंस की वारंटी। जबकि हेक्टर सेगमेंट को लीड करता है 5 साल अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी के साथ में, ये आपको बेहतर ऑप्शन प्रोवाइड करता है। हैरियर का ऑफ़र इन सभी ऑफर्स के सामने सबसे घटिया, सबसे बकवास नज़र आता है। और चेरी ऑन टॉप ये है दोस्तों कि हेक्टर के साथ में MG आपको बाय बैक गारंटी की ऑप्शन भी देता है, जिसमें 3 साल के बाद में MG आपसे आपकी हेक्टर को 60% कीमत पर वापस खरीदेगा। तो ये हुआ ना पीस ऑफ माइंड का सौदा। 11वें रीज़न की तरफ मुड़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रीज़न ये है कि फीचर्स, जब तक हेक्टर और सेल्टोस लॉन्च नहीं हुए थे, तब तक भारतीय कंज्यूमर को ऐसे लगता था कि सिर्फ हैरियर ही वो एकमात्र ऐसी कार है जो सबसे बेस्ट इन क्लास एंड बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स ऑफर कर रही है। लेकिन लॉन्च होते ही हेक्टर ने और सेल्टोस ने इस पासे को और पूरी बाजी को अपनी तरफ पलट दिया है, और इन दोनों गाड़ियों में हैरियर से कई बेहतर फीचर्स मिलते हैं। हेक्टर की अगर हम बात करें तो जैसे कि हीटेड ORVMs, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स, हाइब्रिड ऑप्शन और इंटरनेट कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सेल्टोस की बात करें, वेंटिलेटेड सीट्स मिलते हैं, बोस के स्पीकर्स मिलते हैं, एयर प्योरिफिकेशन आपको मिलता है, और दोनों ही गाड़ियों में आपको सनरूफ का ऑप्शन मिल जाता है। इससे ये भी साफ साफ पता चलता है कि फीचर्स के मामले में भी सेल्टोस और हेक्टर हैरियर से कई गुना बेहतर और कई गुना आगे हैं। हैरियर यहाँ पर भी पीछे नज़र आती है। 12वां और आखिरी रीज़न ये है दोस्तों, जिसकी हम अब बात कर लेते हैं, लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न एंड फैक्टर, जो है सेल्टोस और हेक्टर नहीं थे तब हैरियर एक पैसा वसूल यानी कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नज़र आता था। लेकिन अब जब सेल्टोस और हेक्टर दोनों लॉन्च हो चुके हैं तो हैरियर एक वेस्ट ऑफ मनी प्रोडक्ट नज़र आता है। जितनी हाईवे पर स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस हैरियर की है, उतनी ही वो सिटी में ट्रैफिक कंडीशंस में चलाने के लिए मुश्किल, और कंपैरेटिवली लोगों ने सेल्टोस और हेक्टर को ज़्यादा बेहतर पाया है सिटी में भी और हाईवे कंडीशंस में भी। टाटा को अब इमीडिएटली ज़रूरत है हैरियर में काफ़ी सारे बदलाव करने की, वरना इस बेहतरीन प्रोडक्ट को भारतीय सड़कों से गायब होते देर नहीं लगेगी। यही कुछ कारण थे दोस्तों जिनके चलते हैरियर का सेल्स फिगर 8 महीनों में 3 डिजिट पर आकर सिमट गया है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स करके अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपने और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।